7 अप्रैल 2022 को जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है दशमी। इसमें अभिषेक बच्चन, यामी गौतम और निम्रत कौर लीड रोल में है। इस फिल्म की चर्चा बहुत है तो सोचा हम इसका रिव्यू आप लोगों के लिए बना ही दें। फिल्म की कहानी यह है कि एक राज्य है हरित प्रदेश, यहाँ का मुख्यमंत्री है गंगाराम चौधरी यानी कि अभिषेक बच्चन। वह तो 8वीं पास है लेकिन उसे ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। राजनीति विरासत में मिली इसीलिए वह मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी को शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल हो गई। जेल की सुपरिटेंडेंट रहती है ज्योति देशवाल यानी कि यामी गौतम। यहाँ पर ज्योति और गंगाराम के बीच कुछ ऐसी बातें होती है कि गंगाराम अपनी पढ़ाई पूरी करने की जिद पर आ जाता है और जेल से ही मैट्रिक पास करने की ठान लेता है। गंगाराम चौधरी उधर जेल में दसवीं कर रहा होता है और इधर उसकी बीवी बिमला देवी यानी कि निम्रत कौर एक अलग ही खेल कर डालती है। तो क्या गंगाराम चौधरी मैट्रिक पास कर पाता है? क्या यह सब करते हुए उसका राजनीतिक विरासत सही सलामत रहता है? और फिर क्या होता है गंगाराम चौधरी का? यह सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में अगर एक्टिंग की बात करें तो काफ़ी दिनों बाद अभिषेक बच्चन की अपनी सोलो फिल्म आई है। हालांकि द बिग बुल में वह दिखे थे लेकिन अपनी छाप नहीं छोड़ पाए थे। इस फिल्म में वह एक जाट मुख्यमंत्री का रोल निभा रहे हैं जो कि बहुत ही कमाल लगता है। अभिषेक एक्टर तो निस्संदेह ही अच्छे हैं। यामी गौतम भी जेल सुपरिटेंडेंट के रोल में अच्छी लगी है लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी तो लगी है निम्रत कौर। सबसे ज्यादा इस फिल्म में निम्रत कौर को ही एक्टिंग करने को मिला जिसे वह पूरा पूरा एंजॉय की है। और हाँ, इस फिल्म में द वायरल फीवर के दो कलाकार शिवांकित सिंह परिहार और छोटे मियाँ भी अहम रोल में दिखे हैं। इस फिल्म में गीत में मचा मचा टॉप पर है और पूरे फिल्म में जो सिचुएशनल सॉन्ग्स है वह भी अच्छा ही फील करवाती है। ठान लिया हमने गीत एक मोटिवेशनल सॉन्ग जैसा फील होता है। फिल्म मेकिंग की अगर बात करें तो इसे लिखा है राम वाजपेयी और डॉक्टर कुमार विश्वास ने। जी हाँ, वही डॉक्टर कुमार विश्वास जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं तुषार जलोटा। निर्देशक तुषार जलोटा इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं और यह फुल फ्लेज निर्देशक के तौर पर उनकी पहली फिल्म है। यह फिल्म एक फील गुड फिल्म है जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ घर में देख सकते हैं। एक ऐसा भी दृश्य नहीं है जो आपको अपनी फैमिली के बीच असहज करेगा और यहीं पर यह फिल्म जीत जाती है। इसे मस्ट वॉच तो नहीं कह सकते हैं लेकिन अगर आप हल्की फुल्की पॉलिटिकल ड्रामा कॉमेडी देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। तो यह थी हमारी ओर से फिल्म दशमी का रिव्यू। यह रिव्यू अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने यह फिल्म देख लिया है तो अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही फिल्म्स, टीवी, ओटीटी और वेब सीरीज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बेजोर फिल्म्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।